और अच्छा सर, थ्रो वाली मेरी आप थोड़ा बताइए कि आप लॉन्ग जंप के कोच हैं। मैं पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ गुजरात में काम करता हूँ। मेरा नाम कल्पेश त्रिवेदी है। पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ गुजरात में मैं विजुअली इम्पेयर्ड वीआई के लिए एक कोचिंग का एक काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और इसमें मेरा एक लड़का है जगदीश करके। अच्छा। वो लॉन्ग जंप इंटरनेशनल एक बार खेल के आया है। अच्छा। और वो अभी अगले साल एशियन गेम के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। अरे वाह। और आपके इस नेशनल एथलेटिक्स में कितने सारे प्राइज मिला? मेरे को तो मैम बहुत सारे प्राइज मिले। मेरी एक लड़की है जिसको हाँ। तीनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल मिले हैं। नेशनल खेलने के लिए कभी क्वालिफाई हो रही है। अच्छा, हम उसके साथ भी बात करना चाहेंगे। हाँ, वो करेंगे। उसको बेस्ट उसकी ट्रॉफी भी देने वाले प्राइज नहीं दिया गया है। अच्छा, अंदर से अभी उसको जो सेरेमनी होगी जब तब मिलेगा सेरेमनी। तो टोटल अभी तक कितना मेडल मिल चुका है अप्रोक्सीमेटली? अपॉर्चुनिटी शायद 12 से 15 मेडल के आसपास हमारे आए हुए हैं। अच्छा, और आप जो आप लॉन्ग जंप के कोच है ना, तो उसमें कितना मिला? लॉन्ग जंप में 3 मेडल आए। कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में? ना, मैं बीपीए वस्त्रापुर अहमदाबाद गुजरात से एथलेटिक्स कोच हूँ। अच्छा। और मैं ये 22 नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार हिस्सा लिया है। अच्छा। मेरे एक ही एथलीट ने तीन में शॉर्ट पुट, डिस्कस और जेवलिन में, चेतना गलचल ने तीनों में गोल्ड मेडल लेके बेस्ट एथलीट का नाम रोशित किया है। और हाँ सर बोलिए। हमारी बेस्ट एथलीट चेतना गलचर है। अच्छा। जो T13 में उसने हिस्सा लिया है, उसने शॉर्ट पुट, डिस्कस और जेवेलिन में थ्रो इवेंट में ये 22 नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में तीनों में गोल्ड मेडल लिया है। ओहो, कांग्रेचुलेशंस। और 12 में राजेश्री सोनकर है जो उसने थ्रो में भी 3rd नंबर प्राप्त किया है। इसलिए ओवरऑल थ्रो में हमारा 22 नेशनल एथलेटिक्स में हम लोग चैंपियन रहे हैं थ्रो इवेंट के अंदर। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नमस्ते, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुलशन सेतना है। और आप कहाँ से हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं। हाँ, थोड़ा तेज बोलिएगा। नहीं, गुजरात से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आपने कौन सा इवेंट में गोल्ड जीता? 3 इवेंट में गोल्ड जीता, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट में। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पैरा ओलम्पिक में जाने का इच्छा है? हाँ, जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं? नहीं, पहले भी खेला है मैंने। पैरा ओलम्पिक मतलब इंटरनेशनल? नहीं, वो नहीं खेला है। अच्छा, उसमें जाने का इच्छा है। ठीक है, तो आप कितना सालों से इस स्पोर्ट्स में हैं? 5-6 साल से। पहले भी प्राइज जीत चुके हैं। ठीक, धन्यवाद।